हेलो गाइस, वेलकम टू द गाइस। तो आज जो हमारा पहला चैप्टर है मैटर इन सराउंडिंग्स, उसके इंडेक्स क्वेश्चंस हम करने की कोशिश करेंगे एक ही वीडियो में सारे कर देंगे, तो पार्ट वन पार्ट टू में डिवाइड कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर इस चैप्टर से रिलेटेड आपको कुछ चीजें जैसे वो कॉन्सेप्ट समझना हो तो प्लीज में आगे देख लेना, हर टॉपिक को अच्छे से समझा रखा है। और इंडेक्स क्वेश्चन भी मैंने शॉर्ट्स में तो करवाई रखे हैं, यहाँ पर मैं प्रॉपर वीडियो में सारे कर रहा हूँ, शॉर्ट्स में जैसे मैंने करा रहा हूँ एक एक क्वेश्चन, ठीक है। तो ये थी आपकी इन्फॉर्मेशन, अभी हम चलते हैं आज की वीडियो में। तो देखो मतलब बता दो, सीबीएसई में आपको अगर अच्छे मार्क्स लाने हैं आपको जो एनसीईआरटी है वो तो पूरी करनी पड़ेगी, और एनसीईआरटी के खासतौर पर जो क्वेश्चन है, चाहे वो इन टेक्स्ट हो या एक्सरसाइज के हों या फिर एग्जाम्पल्स भी, जो बीच में एग्जाम्पल्स होते हैं ना, वो भी मैथ्स हो या एग्जाम्पल होते हैं, ये सारे क्वेश्चन में से ही पेपर बनता है। और इन्हीं के आसपास क्वेश्चन होते हैं, अगर चेंज भी होगा तो उसी से जैसे रिलेटेड होते हैं, इनके बिल्कुल कुछ अलग आ जाएगा। जैसे आपके इंटेक्स से एक्सरसाइज में क्वेश्चन होते हैं वैसे ही क्वेश्चन आते हैं पेपर में, उससे बाहर ठीक है। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी हम करेंगे इंटेक्स क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग आर मैटर, ये हमें चाहिए दे रखी है, उनमें से पूछा गया कि इनमें से कौन सा मैटर है। उसके लिए आपको पहले मैटर की डेफिनेशन पता होनी चाहिए, मैटर क्या है। मैं एक्सप्लेन करूंगा, पर नहीं कि लिख लिख के दिखाऊंगा, एक्सप्लेन करूंगा ताकि जब आप ये लर्न करो तो आपको इजी हो जाए। तो मैटर क्या है, एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस, एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज मास, मतलब कोई भी ऐसी चीज जो जगह घेरती है, ऑक्यूपाई स्पेस मतलब जो जगह घेरती है, मतलब कोई जगह घेरती है, जैसे मान लो आपका पेन है, तो ये अगर हम टेबल पर रखें तो कुछ जगह घेर रहा है ना, या बोतल है, कोई भी चीज जो आपकी स्पेस को ऑक्यूपाई करती है और जिसको मास होता है उसको हम बोलते हैं मैटर। एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज मास, मास इज कॉल्ड मैटर। तो अब आप अपने से देख के बता सकते हो कि इनमें से कौन कौन सी चीज मैटर है। देख लो, पहली चीज है चेयर, चेयर का स्पेस घेरती है, बिल्कुल ये तो मैटर है। एयर, अब आप बताओ एयर क्या मैटर है, ये मुझे बताओ एयर क्या मैटर है। तो एयर बिल्कुल मैटर है, मैटर है एयर, आप कहोगे तो स्पेस घेरती नहीं घेरती। अगर आप किसी कंटेनर में एयर को रखोगे तो ऐसे स्पेस घेरती है, तो एयर एक मैटर है। लव, ये तो एक इमोशन है, ये तो हमारे दिमाग में, तो ये मैटर नहीं है, ये मैटर नहीं है। तो स्मेल ऑफ अ परफ्यूम, तो स्मेल ऑफ अ परफ्यूम क्या है, ये भी एक मैटर है। कौन सा मैटर है, गैसेस मैटर है, गैसेस, गैसेस मैटर। ये डिफरेंस भी समझ लो, मैटर कितने टाइप के होते हैं, तीन टाइप के होते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो ये चेयर किस टाइप का मैटर था, ये था सॉलिड। एयर किस टाइप का मैटर थी, गैसेस। लव क्या, लव मैटर नहीं है बिकॉज़ ये एक इमोशन है। स्मेल ऑफ परफ्यूम, ये भी एक मैटर है, गैसेस मैटर। हेट, ये भी मैटर नहीं है, एक इमोशन है। आलमंड, ये क्या है, सॉलिड मैटर है। थॉट, ये भी एक इमोशन, थॉट तो मैं दिमाग में कहकर जगह तो नहीं लिखता, तो ये मैटर नहीं है। कोल्ड ड्रिंक एक मैटर है, और किस टाइप का मैटर, लिक्विड, लिक्विड मैटर। तो समझ गए, तो ये कुछ चीज रखी थी, उसमें से आपको बताना था कि कौन सी चीज इसमें से मैटर है। और मैटर की डेफिनेशन सिंपल क्या है, एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज मास, ऐसी कोई सी चीज जिसका स्पेस जो ऑक्यूपाई करती है और मास। आप देखो ये चीज गैसेस मैटर है, इन सबका मास होता है भाई, सबका मास होता है। अगर आप गैस का मास नहीं होता, मैं सिलेंडर पर तो गैस होता है, उसका मास नहीं होता, होता बिल्कुल, ठीक है। ये था पहला क्वेश्चन, नेक्स्ट देखें, समझ आ रहा है चीज है, ऐसे समझा तो चलूंगा। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, उसको गिव रीजन फॉर द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन, द स्मेल ऑफ अ हॉट सिजलिंग फूड रीचेस योर, रीचेस यू सेवरल मीटर अवे, बट टू गेट द स्मेल ऑफ अ कोल्ड फूड यू हैव टू गो क्लोज। मैं तो क्वेश्चन समझा देता हूँ, ये कह रहा हूँ कि क्वेश्चन कह रहा है कि इसका रीजन क्या है कि अगर कोई गर्म खाना होता है, हॉट फूड होता है, उसकी जो स्मेल है वो दूर तक भी आ जाती है। क्वेश्चन समझा रहा हूँ कि अगर कोई खाना गर्म है उसकी जो स्मेल है वो दूर तक आ जाती है, मीटर में, सेवन मीटर में तक आ जाती है। लेकिन अगर कोई खाना ठंडा है तो फिर हमें उसकी स्मेल कहीं दूर तक नहीं आती, हम जब पास जाते हैं तभी हमें स्मेल आएगी। तो इसका क्या रीजन है, पूछ रहे हैं इसका रीजन क्या है। तो सिंपल सी बात है कि जो मैटर के जो पार्टिकल होते हैं, मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं, समझने की कोशिश करो, मैटर के जो पार्टिकल होते हैं उनकी जो मूवमेंट होती है वो मूवमेंट यानी कि काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी यानी कि जो मोशन हो रहा होता है पार्टिकल्स का, जैसे उसको बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल। काइनेटिक एनर्जी मतलब जो भी पार्टिकल्स का जो मूवमेंट हो रहा है
जो मोशन हो रहा है वो किसको क्या बोलते हैं, काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल। तो इसकी काइनेटिक एनर्जी हमेशा जो टेम्परेचर हाई होता है, टेम्परेचर हाई होता है तो ज्यादा होती है, मतलब जब टेम्परेचर हाई होता है तो पार्टिकल ज्यादा मूव करते हैं, और जब टेम्परेचर लो होता है तो वो पार्टिकल्स कम मूव करते हैं। तो यही रीजन है कि भाई जब खाना गर्म है, हॉट है, तो यानी कि टेम्परेचर क्या है, हाई है। खाना गर्म है यानी टेम्परेचर ज्यादा है ना उसका, तापमान ज्यादा है उसका, तापमान ज्यादा है तो उसके जो पार्टिकल्स हैं उनकी जो मूवमेंट है यानी कि काइनेटिक एनर्जी जो पार्टिकल्स की वो ज्यादा है। काइनेटिक एनर्जी ज्यादा तो ज्यादा दूर तक जाएंगे, तो ज्यादा दूर तक पार्टिकल्स जाएंगे तो हमें स्मेल आ जाएगी। तो जब टेम्परेचर कम है यानी कि ठंडा है खाना, तो पार्टिकल कम मूव होंगे, काइनेटिक एनर्जी कम होगी, वो खाना दूर तक यानी कि जो स्मेल है उस पार्टिकल्स है वो दूर तक नहीं जाएंगे, तो स्मेल दूर तक नहीं आएगी। आसान जा रही है, ठीक है, नेक्स्ट देखो। तो इसमें समझने वाला कॉन्सेप्ट क्या था वैसे, एक्चुअली समझने वाला कॉन्सेप्ट इसमें था कि जब टेम्परेचर हाई होता है तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल जो भी मैटर है उसके जो पार्टिकल है वो उसकी काइनेटिक एनर्जी हाई होती है, और जब टेम्परेचर लो होता है तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल लो होती है। ये कॉन्सेप्ट समझने वाला है और याद कर लो ये चीज, जब टेम्परेचर ज्यादा होगा तो काइनेटिक एनर्जी पार्टिकल की ज्यादा होगी, काइनेटिक एनर्जी ज्यादा मतलब ज्यादा मूवमेंट होगी, मोर मूवमेंट तो पार्टिकल है वो ज्यादा मूव करेंगे, और काइनेटिक एनर्जी लेस है, देखो नीचे का साइन लेस है, ये मैं बता रहा हूँ, ये जो ऊपर का साइन करता हूँ मतलब हाई है, नीचे का साइन मतलब लो। तो काइनेटिक एनर्जी जब लो है तो इसका मतलब मूवमेंट लेस है, लेस मूवमेंट ऑफ पार्टिकल, ये इस कॉन्सेप्ट को देखते हैं क्वेश्चन, ठीक है, नेक्स्ट देख लो जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 3, अ डाइवर इज एबल टू कट थ्रू वाटर इन स्विमिंग पूल, विच प्रॉपर्टी ऑफ मैटर डज दिस ऑब्जर्वेशन शो। तो देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहले क्वेश्चन समझो, क्वेश्चन कह रहा है कि एक डाइवर है जो कि पानी को ऐसे काटता हुआ जाता है, स्विमिंग पूल में जब हम स्विम करते हैं तो बेसिकली हम पानी को साइड ही तो कर रहे हैं, काट ही तो रहे हैं तभी तो आगे जाते हैं, तो स्विमिंग पूल में पानी को काटता हुआ जाता है डाइवर। तो ये कह रहा है कि मैटर की किस प्रॉपर्टी को शो करता है, किस प्रॉपर्टी को शो करता है। अब देखो इस क्वेश्चन को समझने के लिए ना थोड़ा सा तुम्हें चीज समझा दो कि हमारे मैटर 3 टाइप के होते हैं, सॉलिड, सुनते जाओ क्वेश्चन का, लिक्विड और गैसेस, तीन टाइप के हमारे मैटर होते हैं। तो तीनों टाइप के मैटर में कुछ पार्टिकल्स होते हैं, तो जो सॉलिड पार्टिकल होते हैं, जैसे मान लीजिए सॉलिड पार्टिकल है, इसमें जो आपके सॉलिड मैटर में जो पार्टिकल है वो एकदम क्लोज क्लोज होते हैं, एकदम क्लोज 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 होते हैं, खुद क्लोज क्लोज होते हैं, ठीक है। लिक्विड में उससे थोड़े से कम क्लोज होते हैं, थोड़ी सी स्पेस होती है, और गैसेस में बहुत ही ज्यादा स्पेस होती है, गैसेस में पार्टिकल में बहुत ज्यादा स्पेस होती है। तो ये जो दिखा रहा है कि भाई जो ड्राइवर है वो पानी को काट पा रहा है, यानी कि लिक्विड मैटर है, पानी क्या है, लिक्विड मैटर है, तो लिक्विड मैटर को काट पा रहा है, ये यही दिखाता है। तो पूछा ना क्या शो करता है कि भाई वो काट पा रहा है, वो यही शो करता है कि लिक्विड के अंदर जो पार्टिकल है उनके बीच में स्पेस है। द पार्टिकल्स ऑफ अ लिक्विड मैटर हैज स्पेस, दैट्स व्हाई ड्राइवर इज एबल टू कट थ्रू द वाटर इन स्विमिंग पूल, ये है इसका आंसर। भैया पानी के जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में स्पेस है, इसलिए तो वो ऐसे काट पा रहा है और आगे जा पा रहा है। क्या सॉलिड को काट सकते हैं, जैसे मान लो कोई ये पर लकड़ी का बॉक्स है, इस लकड़ी को बॉक्स को ऐसे काट के जा सकता है, नहीं काट के जा सकता क्योंकि सॉलिड है, और सॉलिड में पार्टिकल एकदम क्लोज होते हैं, क्लोज होते हैं तो ऐसे हम उसको क्रॉस करके ऐसे काट के जा नहीं सकते, ऐसे हम जा नहीं सकते, ठीक है, नेक्स्ट देख लो। चलिए इस क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल ऑफ मैटर। तब तक तो आपको जो मैंने प्रीवियस 3 क्वेश्चन बोले उसमें पार्टिकल ऑफ मैटर के आपको कुछ करेक्टरिस्टिक बताए इसको, तो भाई यहाँ पर सुन लो कौन कौन से करेक्टरिस्टिक। पहला सबसे इंपॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक तो ये हो सकता है कि किसी भी मैटर का जो पार्टिकल है वो बहुत स्मॉल होता है, तो हम देख सकते हैं वेरी स्मॉल इन साइज, दे आर वेरी स्मॉल इन साइज, पहला करेक्टरिस्टिक आप बोल सकते हो। दूसरा करेक्टरिस्टिक आप ये बोल सकते हो कि पार्टिकल मैटर कितने टाइप के होते हैं, बार बार बता चुका हूँ, सॉलिड, लिक्विड, गैसेस। तो जो मैटर है, जो मैटर के जो पार्टिकल है, डिफरेंट डिफरेंट मैटर है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, इनके जो पार्टिकल है उसका आप प्रॉपर्टी बता सकते हो, क्योंकि गैसेस जो पार्टिकल है, गैसेस मैटर का पार्टिकल है, मैटर पार्टिकल मूव्स फास्टर then solid and liquid. भाई गैस आपको बताना, गैस दूर तक चली जाती है उसकी स्मेल वगैरह, इसलिए क्योंकि जो उसके जो पार्टिकल है वो मूव फास्ट करते हैं,
और तीसरी चीज जो हमने वो खाने वाले क्वेश्चन में देखी थी कि भाई जब टेम्परेचर बढ़ता है तो मूवमेंट बढ़ जाती है पार्टिकल्स की, तो एट हाई टेम्परेचर द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल इंक्रीजेस, द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल इंक्रीज का साइन है। अच्छा एक और टर्म है, ये जो पार्टिकल की जो मूवमेंट हो रही है ना इसको बोलते हैं डिफ्यूजन, शब्द है डिफ्यूजन मतलब मूवमेंट ऑफ पार्टिकल, मूवमेंट ऑफ पार्टिकल मतलब डिफ्यूजन, ठीक है। तो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल ऑफ मैटर क्या, छोटे होते हैं स्मॉल, और ये बता दिया कि भाई जो गैसेस मैटर के जो पार्टिकल होते हैं वो ज्यादा तेजी से फास्टर मूव करते हैं सॉलिड और लिक्विड के कंपैरिजन में, और तीसरी बात है कि टेम्परेचर ज्यादा होता है तो पार्टिकल का मूवमेंट भी ज्यादा होता है, जैसे कि हमने वो खाना जब गर्म होता है तो दूर तक जाता है क्योंकि उसकी मूवमेंट ज्यादा होती है, वो वाला एग्जांपल हमने देख लिया क्योंकि टेम्परेचर ज्यादा है, और टेम्परेचर ज्यादा तो डिफ्यूजन मूवमेंट ऑफ पार्टिकल में डिफ्यूजन ज्यादा होगी, ठीक है। नेक्स्ट देख लो, चलिए इस क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, द मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ अ सब्सटेंस इज कॉल्ड डेंसिटी, अरेंज द फॉलोइंग इन ऑर्डर ऑफ डेंसिटी। तो डेंसिटी का फॉर्मूला लिखा हुआ है, डेंसिटी इज इक्वल टू, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, ये है। तो ये पर कुछ चीजें लिखी हुई है, एयर एग्जॉस्ट चिमनी हनी वाटर चॉक वाटर आयरन, और इनको बता रखा है कि हमें इंक्रीजिंग मतलब बढ़ते हुए डेंसिटी में हमें इनको अरेंज करना है, मतलब डेंसिटी सबसे छोटे वाला डेंसिटी वाला पहले, बढ़ते 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 जिसकी सबसे ज्यादा डेंसिटी है वो लास्ट में, ऐसे में बताना है। तो देखो डेंसिटी का फॉर्मूला दे रखा है, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, तो मतलब जिसका मास ज्यादा होगा उसकी डेंसिटी ज्यादा होगी, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, डेंसिटी और मास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एक दूसरे के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब ऐसे सामने सामने नहीं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ठीक है, जैसे सामने वाले को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बोलते हैं आसान भाषा में, ठीक है। तो डेंसिटी और मास मतलब मास जिसका ज्यादा होगा उसी की डेंसिटी भी ज्यादा होगी, तो बस आप देख लो इनमें से सबसे कम मास किसका है, वहां से शुरू करो क्योंकि हमें बढ़ती हुई डेंसिटी में चलना है, तो सबसे कम मास किसका होता है, एयर का, तो सबसे पहले एयर आएगी, उसके बाद ये एग्जॉस्ट फंक्शन नहीं है ना, तो एग्जॉस्ट हमें बढ़ती हुई डेंसिटी में जाना है, तो बस हम मास देखते रहेंगे, जिसका मास ज्यादा होगा उसी की डेंसिटी ज्यादा होगी, तो हम कम से शुरू कर रहे हैं, सबसे कम मास एयर का है, फिर एग्जॉस्ट फ्रॉम चिमनी का है, उसके बाद किसका होगा सबसे कम मास, कॉटन का होगा, चिमनी, उसके बाद सबसे कम मास होगा कॉटन का, इसके बाद सबसे कम मास किसका होगा, उसके बाद होगा मेरे हिसाब से वाटर का, ठीक है, इसके बाद होगा हनी, फिर होगा चॉक, और सबसे ज्यादा मास होगा आयरन का, उसकी डेंसिटी भी ज्यादा होगी, तो ये हमने अरेंज कर दिया आंसर, ये हमने कैसे देखा, ये कह रहा था कि भाई जिस इंक्रीजिंग डेंसिटी ऑर्डर में हमें अरेंज करना है, तो मैंने हमें इस फॉर्मूले से गैस कर लिया कि गैस क्या कर लिया, ये कॉन्सेप्ट भी है कि जिसका मास ज्यादा होता है उसी की डेंसिटी ज्यादा होती है, तो हमने देख लिया सबसे ज्यादा मास आयरन का है, तो यानी कि सबसे ज्यादा डेंसिटी किसकी, आयरन की है, तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है तो लास्ट में आयरन हो गया, तो इसी ऑर्डर में हम ये करते चले गए। यहाँ पर मेन कॉन्सेप्ट क्या था, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, ये फॉर्मूला है, या फिर आप डेंसिटी का कॉन्सेप्ट बोल लो, ठीक है। नेक्स्ट देख लो, चलो गाइस क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, उसका फर्स्ट पार्ट है 6 का, कैलकुलेट द डिफरेंस इन द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्टेट ऑफ मैटर। तो बेसिकली ये जो हमारे 3 स्टेट ऑफ मैटर होते हैं कौन कौन से होते हैं, सॉलिड लिक्विड, ये होते हैं ना 3 टाइप ऑफ स्टेट ऑफ मैटर और गैसेस, इनके बीच में हमें डिफरेंस बताना है, टेबलेट मतलब हमें बताना है टेबल बना के डिफरेंस बिटवीन दैम, तो लिख लो डिफरेंस, कुछ डिफरेंस आपको मैं बताने की कोशिश करता हूँ, वैसे तक आप समझ गए होंगे। सबसे पहले डिफरेंस आप ये बोल सकते हो कि सॉलिड जो है उसका शेप डेफिनेट है, कोई भी चीज सॉलिड की है चाहे वो पेन है चाहे बॉक्स है उसकी डेफिनेट शेप है, लिक्विड की डेफिनेट शेप नहीं होती, बोतल में डालो तो बोतल की शेप मिलता है, बॉल में डालो बॉल की शेप मिलता है, ऐसी गैस का भी उसकी भी कोई डेफिनेट शेप या वॉल्यूम नहीं होती, लेकिन हाँ वॉल्यूम डेफिनेट होता है, लिक्विड का वॉल्यूम, वॉल्यूम मतलब कितना है, जैसे मतलब अगर 1 लीटर जो उसका वॉल्यूम है वो चाहे बोतल में डालो शेप जरूर चेंज हो जाएगी, लेकिन पानी का वॉल्यूम तो 1 लीटर ही रहेगा, ठीक है। और सिमिलरली ये आपका जो है अगर बाउल में डालो तो 1 लीटर रहेगा, तो वॉल्यूम उसका डेफिनेट रहता है, और गैसेस के केस में शेप भी डेफिनेट नहीं है और उसका वॉल्यूम भी डेफिनेट नहीं है, उसका वॉल्यूम भी चेंज हो जाता है, ठीक है, कोई उसका वॉल्यूम कर, क्योंकि कुछ पार्टिकल्स उसके उड़ जाते हैं एस्केप हो जाते हैं तो वॉल्यूम उसका
डेफिनेट नहीं है, मतलब उसका वॉल्यूम एकदम स्थिर नहीं रहता, क्योंकि गैस के जो पार्टिकल है वो मूव हो जाते हैं, उड़ जाते हैं, एस्केप हो जाते हैं। ठीक है, तो पहला हम लिख सकते हैं सॉलिड हैज डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम। सॉलिड की तो शेप भी डेफिनेट होती है, वॉल्यूम भी डेफिनेट होता है। लिक्विड का क्या है, इट हैज नो डेफिनेट शेप, शेप डेफिनेट नहीं होती, इट हैज वॉल्यूम, इट हैज डेफिनेट वॉल्यूम। डेफिनेट मतलब एक तो उसका स्थिर है भाई, वॉल्यूम तो स्थिर रहेगा। ऐसे जो है ना कि पानी बोतल से बाउल में डाल दिया तो उसका जो लीटर है वो कम ज्यादा हो गया, ऐसा नहीं। पर गैस का क्या है, शेप भी डेफिनेट नहीं है, इट हैज नो डेफिनेट शेप, शेप भी कोई डेफिनेट नहीं है। जिस कंटेनर में डालो उसी कंटेनर की शेप रहता है, बोतल में डालो तो गैस बोतल की शेप भी आना आ जाएगा, बॉक्स में डालो तो बॉक्स की शेप में आ जाएगा। साथ में उसका वॉल्यूम भी डेफिनेट नहीं है, क्यों, मैंने बताया गैसेस पार्टिकल जो है वो मूव करते हैं बहुत फास्टली तो वो स्केप हो जाते हैं, इट इज नॉट डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम, वॉल्यूम भी डेफिनेट नहीं है। ये होगा पहला डिफरेंस। दूसरा डिफरेंस हम क्या कह सकते हैं, सॉलिड जो होते हैं वो रिजिड होते हैं, मतलब सॉलिड कोई चीज है उसको आप ऐसे उसको मोल्ड नहीं कर सकते, उसकी शेप वगैरह चेंज नहीं कर सकते, तो रिजिड होते हैं। सॉलिड आर रिजिड, रिजिड रिजिड मतलब रिजिडिटी मतलब जो अपनी शेप वगैरह चेंज नहीं करते जल्दी से, अब एक बॉक्स है वो बॉक्स ही रहेगा। वॉल्यूम जो लिक्विड है उसकी तो शेप चेंज हो जाती है, तो लिक्विड आर नॉट रिजिड, आर नॉट रिजिड। मैंने आपको बताया तो अपनी शेप चेंज कर लेते हैं जिसके कारण वो डायलॉग्स में जाते हैं। सिमिलरली गैसेस आर ऑल्सो नॉट रिजिड, वो भी रिजिड नहीं है। रिजिड मतलब जो अपनी शेप में एकदम स्थिर रहते हैं, रिजिड है, इंग्लिश का बोलेंगे रिजिड। उसका सॉलिड को कंप्रेस ऐसे हम दबा नहीं सकते, सॉलिड को हम दबा नहीं सकते, नॉन कंप्रेसिबल, नॉन कंप्रेसिबल। फिर पानी का भी, पानी भी कंप्रेस नहीं होता, तो पानी भी हम बोल सकते हैं नॉन कंप्रेसिबल, पानी को हम ऐसे दबा नहीं सकते, पर गैस को दबा सकते हैं, गैसेस आर कंप्रेसिबल। ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, गैसेस आर कंप्रेसिबल। आप उसका एग्जाम्पल दो आपको कंप्रेसिबल कैसे गैसेस, भाई आप देखते हो हमारे वैसे ट्वेल्थ वगैरह में आप आगे भी पढ़ोगे, गैसेस कंप्रेसिबल होते हैं कि भाई हमारी जो कोल्ड ड्रिंक वगैरह हम पीते हैं ना उसमें CO2 होता है, तो उसको प्रेशर से हम ऐसे दबाते हैं, तभी आप देखते हो जैसे आप कोल्ड ड्रिंक खोलते हो तो एकदम प्रेशर से बाहर निकलती है कोल्ड ड्रिंक। वो क्यों है, इतना प्रेशर है, तो उसको दबा रखा है, प्रेशर पर डाल के गैस को अंदर दबा रखा है, इसी से हम प्रूव करें कि गैसेस आर कंप्रेसिबल, गैसेस को दबाया जा सकता है। ये हो गया डिफरेंस। और क्या हम बोल सकते हैं कि भाई अभी हमने डेंसिटी का कॉन्सेप्ट पढ़ा इस क्वेश्चन में, तो सॉलिड की डेंसिटी हमेशा ज्यादा होती है, सॉलिड हैज हाई डेंसिटी, हाई डेंसिटी। डेंसिटी क्या होता है, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, ये है डेंसिटी। तो सॉलिड की जो डेंसिटी होती है वो हाई होती है क्योंकि उसका मास भी हाई होता है, लिक्विड की डेंसिटी सॉलिड से कम होती है थोड़ी सी, लिक्विड हैज लेस डेंसिटी देन सॉलिड, लेस डेंसिटी देन सॉलिड। वो गैस की सबसे लोएस्ट होती है, गैस हैज लीस्ट, गैस हैज लीस्ट डेंसिटी क्योंकि उसका मास भी लीस्ट होता है। ठीक है, और अभी मैंने आपको बताया कि भाई जो गैस के पार्टिकल है वो बहुत तेजी से मूव करते हैं, तो मैंने अभी प्रीवियस क्वेश्चन में आपको बताया द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल के लिए कौन सा टर्म मैंने आपको सिखाया था, डिफ्यूजन, बताया था ना मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में कि मूवमेंट ऑफ पार्टिकल क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन, क्या बोलते हैं, ये सिखाया था आपको डिफ्यूजन। मूवमेंट ऑफ पार्टिकल को हम क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन। ठीक है, तो इसी तरह से आप बोल सकते हो, आ गया एक सेकेंड, तो आप ये बोल लिख सकते हो फिफ्थ डिफरेंस में कि सॉलिड हैज वेरी लेस डिफ्यूजन और डू नॉट डिफ्यूज, लेस क्या, सॉलिड डू नॉट डिफ्यूज, सॉलिड पार्टिकल मूव थे ना होते हैं, तो सॉलिड डू नॉट डिफ्यूज, डिफ्यूज मतलब मूवमेंट ऑफ पार्टिकल, तो सॉलिड के जो पार्टिकल है वो मूव नहीं होते, सॉलिड डू नॉट डिफ्यूज, लिक्विड डिफ्यूज वेरी स्लोली, ये आप लिख सकते हो, लिक्विड डिफ्यूज वेरी स्लोली। ठीक है, और गैस तो मैंने आपको बता ही दिया कि गैस में जो मूवमेंट ऑफ पार्टिकल होती है बहुत फास्ट होती है, तो आप बोल सकते हो गैस, gases diffusion is very fast, gases
conclusion is very fast. ठीक है, तो ये आपके कुछ डिफरेंस आप बोल सकते हो, पांच डिफरेंस बहुत है पूरे मार्क्स में मिलेंगे। तो ये था आपका सॉलिड लिक्विड और गैस का डिफरेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, चले गए इस क्वेश्चन को देखो, कमेंट अपॉन द फॉलोइंग। तो ये सारी चीजें मैंने आपको अभी तक जितने भी क्वेश्चन हमने किया उसमें एक्सप्लेन कर चुका हूँ। अभी बताया रिजिडिटी क्या होती है, रिजिडिटी वो होती है जिससे कि आप अपनी शेप, जैसे सॉलिड जो है कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी शेप को रिटेन करता है, जैसे ये बॉक्स है तो अपनी शेप में ही रहेगा, तो इसका मतलब रिजिड है। तो रिजिडिटी मतलब हम क्या बोल सकते हैं, द प्रॉपर्टी ड्यू टू व्हिच द ऑब्जेक्ट रिटेन इट्स शेप एंड साइज, मतलब अपनी शेप और साइज को चेंज नहीं करता, इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं रिजिडिटी। कंप्रेसिबिलिटी जल्दी एक्सप्लेन कर रहा हूँ, अपने हिसाब से इसको याद कर लेना, आपका एक तरह से होमवर्क है। कंप्रेसिबिलिटी ये तो टर्म ही है, कंप्रेस मतलब दबाना, तो मैंने अभी प्रीवियस क्वेश्चन में फिर बताया आपको कंप्रेसिबिलिटी क्या होती है, ऐसी प्रॉपर्टी जिसकी वजह से हम गैस को, स्पेशली गैस को, हम कंप्रेस गैसेस पार्टिकल को कंप्रेस कर सकते हैं। जैसे मान लो ये गैस के पार्टिकल से दूर दूर है, तो अगर मैं इस पर ऐसे प्रेशर लगाऊँ, क्योंकि प्रेशर लगा रहा हूँ पिस्टन के जरिए, ऐसे प्रेशर लगा रहा हूँ, तो ये प्रेशर लगा के ना सारे गैस पार्टिकल नेक्स्ट स्टेज में ये ऐसे हो सकते हैं कि ये नीचे तक आ गए गैस पार्टिकल, क्योंकि मैंने ये पिस्टन, ये जो पिस्टन है इससे ऐसे प्रेशर लगाया तो सारे गैस पार्टिकल नीचे दब गए। तो कंप्रेस किया जा सकता है गैस पार्टिकल को, उस प्रॉपर्टी को बोलते हैं कंप्रेसिबिलिटी। फ्लूइडिटी मतलब जो बह रहे हैं, द प्रॉपर्टी ड्यू टू विच कोई भी सब्सटेंस फ्लो करता है, फ्लूइडिटी जो हम बोलते हैं उसको हम बोलते हैं फ्लूइडिटी, कि भाई कोई चीज या कोई ऑब्जेक्ट बह रहा है। तो ये फ्लूइडिटी किसमें होती है, लिक्विड्स में होती है, लिक्विड हमारे बहते हैं, फ्लूइड होते हैं लिक्विड, ठीक है। उसका शेप क्या होती है, शेप का क्या डेफिनेशन बोलोगे, कोई भी ऑब्जेक्ट की जो ज्योमेट्री होती है उसको हम शेप बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये ज्योमेट्री अगर किसी ऑब्जेक्ट की है तो हम उसको बोलेंगे ट्रायंगुलर शेप, किसी की ज्योमेट्री है तो उसको हम बोलेंगे सर्कुलर शेप। तो शेप बेसिकली द ज्योमेट्री ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड शेप, और शेप किसकी होती है, डेफिनेट शेप किसकी होती है, सॉलिड्स, सॉलिड्स की डेफिनेट शेप होती है, हमने डिस्कस किया। लिक्विड की कोई डेफिनेट शेप नहीं होती, जिस कंटेनर में डालो वैसे हो जाते हैं, बोतल में पानी डालो बोतल की शेप का हो जाएगा, बॉक्स में डालो बॉक्स की शेप का हो जाएगा। तो सॉलिड जो होते हैं उनकी डेफिनेट शेप होती है, और शेप क्या होती है, किसी भी ऑब्जेक्ट की ज्योमेट्रिक, ज्योमेट्री ज्योमेट्री मतलब उसका कि वो कैसा दिख रहा है। जैसे मैंने बताया ये ट्रायंगुलर ज्योमेट्री का कोई ऑब्जेक्ट है तो उसकी शेप कैसे हुई, ट्रायंगुलर, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी मैंने आपको भी बताया फिर से प्रीवियस, कि द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल, किसी भी चीज पार्टिकल की जो मूवमेंट हो रही है, जो पार्टिकल की जो मूवमेंट हो रही है वो किस एनर्जी की वजह से होती है, काइनेटिक एनर्जी। तो बेसिकली काइनेटिक एनर्जी को आप क्या बोल सकते हो, द एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। द एनर्जी रिक्वायर्ड, जो भी एनर्जी चाहिए होती है पार्टिकल को मूव होने के लिए, और कौन सा पार्टिकल सबसे फास्टली मूव होता है, गैसियस पार्टिकल, गैसियस पार्टिकल सबसे फास्टली मूव होते हैं, तो हम बोल सकते हैं गैसियस पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी सबसे ज्यादा है, क्योंकि जो एनर्जी चाहिए होती है पार्टिकल को मूव करने के लिए उसी एनर्जी को हम बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। और डेंसिटी को मैंने आपको बताया था, डेंसिटी इज इक्वल टू मास ऑफ पार्टिकल, ठीक है। तो ये सब आप इसको और डिटेल में देख लेना, बहुत बार हम डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट देखो, चलिए गाइस, क्वेश्चन नंबर 7 कहता है गिव रीजन। तो हमें कुछ स्टेटमेंट लिखी हुई, उनके हमें रीजन बताना है। पहला स्टेटमेंट क्या रहा है, अ गैस फिल्स कंप्लीटली द वेसल इन विच इट इज कैप्ट। तो इसका रीजन क्या है, कह रहा है कि भाई कोई गैस है वो किसी वेसल को बिल्कुल कंप्लीटली फिल कर देती है, कंप्लीटली फिल कर देती है जिसमें वो रखा होता है, विच इज इन विच इट इज कैप्ट। तो इसका रीजन क्या है, तो मान लो कोई वेसल है, बर्तन है, जिसमें गैस के पार्टिकल ऐसे है रखी हुई, तो गैस पूरे वेसल को कम्प्लीटली फिल कर देती है। तो इसका रीजन सिंपल यही है, अभी तक हम इतनी देर से पढ़ते आ रहे हैं कि गैस के जो पार्टिकल होते हैं, गैसेस पार्टिकल हैव हाई काइनेटिक एनर्जी, मतलब उनकी हाई काइनेटिक एनर्जी, इट मींस पार्टिकल मूव्स फास्टर। काइनेटिक गैसेस पार्टिकल की जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो बहुत हाई होती है, और इसकी वजह से जो पार्टिकल हैं, गैसेस पार्टिकल हैं, वो फास्टर मूव करते हैं और चारों तरफ सारी स्पेस ऑक्यूपाई कर देते हैं, मूव्स फास्टर एंड ऑक्यूपाई कंप्लीट स्पेस, ऑक्यूपाइज कंप्लीट स्पेस। तो जितने भी वेसल में जो भी स्पेस है वो सारी भर जाएगी, क्योंकि वो चारों तरफ फैल जाते हैं ना। गैसेस पार्टिकल का प्रॉपर्टी ये है कि वो इट स्प्रेड्स एवरीवेयर। क्यों एवरीवेयर स्प्रेड करते हैं, क्योंकि उनके पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होती है, और साथ में जो एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल के बीच में जो फोर्स है, क्योंकि दूर दूर होते हैं भाई, हमने मैंने बताया ना तीन तरह के मैटर है, सॉलिड लिक्विड गैसेस। सॉलिड में सारे पार्टिकल एकदम क्लोज होते हैं, क्लोज स्टिक होते हैं, लिक्विड में थोड़े से दूर दूर होते हैं, और गैस में बहुत ज्यादा दूर दूर होते हैं। तो इसके पीछे रीजन ये है कि
एकदम स्टिक एकदम क्लोजली होते हैं सॉलिड में. सॉलिड ये हो गया आपका लिक्विड और ये हो गया गैस. तो सॉलिड में एकदम क्लोजली सारे पार्टिकल स्टिक इसलिए होते हैं क्योंकि उनके बीच की जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, पार्टिकल के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फोर्स है वो ज्यादा है, इसमें थोड़ी सी कम है और इसमें बिल्कुल ही कम है. तो गैस में जो पार्टिकल तो पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जिससे वो पास पास चिपके रहते हैं वो कम होती है, तो इसीलिए वो दूर दूर चारों तरफ फैल जाते हैं. ठीक है, तो इसका आंसर यही है. बहुत सारी चीजें लिख सकते हो आप, मैंने बता दिया कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन गैसेस पार्टिकल में कम होती है, काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होती है, इसलिए पार्टिकल फास्टर मूव करते हैं और सारी स्पेस जो वेसल की वो ऑक्यूपाई कर लेते हैं. ठीक है, ये इसका रीजन. नेक्स्ट देखो, इसको देखो, सेवन का सेकंड पार्ट, अ गैस एग्जर्ट प्रेशर ऑन द वॉल ऑफ अ कंटेनर गिव रीजन. तो ये तो वही जो भी प्रीवियसली मैंने एक्सप्लेन किया वैसे ही सेम. मैंने आपको क्या बताया, ये मान लो कोई कंटेनर है तो इसमें जब गैसियस पार्टिकल होते हैं, जब गैस होती है तो पार्टिकल ऐसे चारों तरफ फैल जाते हैं. उसके रीजन मैंने हमने प्रीवियस फर्स्ट में देख लिया, सेकंड कि भाई गैस की जो काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होती है तो पार्टिकल फास्टर मूव करते हैं. फास्टर मूव इसलिए करते हैं क्योंकि जो पार्टिकल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बहुत कम होती है. मतलब अट्रैक्शन मतलब जोड़ के चिपक के रखने वाली जो फोर्स है वो कम होती है, इसलिए तो चारों तरफ फैल जाते हैं पार्टिकल. तो गैसेस पार्टिकल चारों तरफ फैल जाते हैं और चारों तरफ फैल जाते हैं तो ये आपस में भी ऐसे घूमते घूमते मूवमेंट हो रही है गैसेस की, तो आपस में भी टकराएंगे ऐसे दीवार, ये जो वॉल है कंटेनर की जो वॉल है इसमें भी ऐसे टकराएंगे, यहाँ पर इधर टकराएंगे इधर टकराएंगे, चारों तरफ फैल रहा तो टकराएगा ना इधर उधर. तो जो टकराएगा इससे आप वॉल पे प्रेशर आएगा भाई. अगर आप वॉल पे कुछ ऐसे चीज टकराएगी ऐसे करके टकराएगी, ये जैसे ये पार्टिकल आया इधर उड़ता हुआ यहाँ टकराया, कोई इधर टकरा रहा है कोई आपस में टकरा रहा है, तो इसकी वजह से प्रेशर आया होता वॉल पे. तो यही रीजन है. ठीक है, काइनेटिक एनर्जी हाई होती है, वही सेम जो फर्स्ट में जो हमने रीजन दिया वही सारे रीजन आए कि भाई गैस की काइनेटिक एनर्जी हाई होती है तो इसलिए मूवमेंट ऑफ पार्टिकल फास्टर होता है. काइनेटिक एनर्जी हाई होती है, मूवमेंट ऑफ पार्टिकल फास्टर होता है और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल इज लो. बिटवीन पार्टिकल इज लो, ये तीनों ये आंसर है फर्स्ट का भी और सेकंड का भी. काइनेटिक एनर्जी हाई होती है, मूवमेंट ऑफ पार्टिकल फास्टर होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल इज लो, ये इसका आंसर. नेक्स्ट देख लो, कह रहा है अ वुडन टेबल शुड बी कॉल्ड अ सॉलिड, रीजन बताओ. कह रहा है वुड की जो टेबल है उसको हम सॉलिड क्यों कहते हैं, इसका रीजन क्या है. तो बस सिंपल सी बात है, सॉलिड का प्रॉपर्टी क्या होती है कि सॉलिड की प्रॉपर्टी होती है कि वो उसकी डेफिनेट शेप होती है, डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम होता है. दूसरा रिजिड होते हैं, सॉलिड्स आर रिजिड. रिजिड मतलब वो अपनी शेप पे रिटेन रहते हैं, यानी कि कोई प्रेशर डालो तो शेप चेंज हो गई. सॉलिड्स आर रिजिड मतलब इतनी इजीली वो अपनी शेप चेंज नहीं करते. तीसरा और क्या बोल सकते हैं आप, डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम, सॉलिड्स आर रिजिड, और भी बहुत सारी चीज आप सॉलिड की जितने भी हमने डिफरेंस पढ़े हो सब लिख सकते हैं. तो बेसिकली वुडन टेबल में डेफिनेट शेप भी होती है, वॉल्यूम भी होती है, वुडन टेबल रिजिड भी होती है, और ये भी लिख सकते हो दे कैन नॉट बी कंप्रेस्ड इजिली, दे कैन नॉट बी मतलब ऐसे कोई भी हल्का सा हाथ दबाएंगे ऐसे नहीं ना कि कंप्रेस हो जाएगी, कंप्रेस्ड इजिली. तो ये सारी प्रॉपर्टी सॉलिड की है इसलिए वुडन टेबल में भी सारी प्रॉपर्टी होती है, इसलिए वुडन टेबल को हम सॉलिड बोल सकते हैं, सिंपल सी बात. नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर कौन सा है, फोर्थ है. वी कैन इजिली मूव आर हैंड इन एयर बट टू डू द सेम थ्रू अ ब्लॉक ऑफ वुड नीड क्रैक्स. फिर वही आपका वही कॉन्सेप्ट पर क्वेश्चन आ रहे हैं सारे. मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, हमारे तीन तरीके के मैटर है, सॉलिड लिक्विड. ये समझ आ गया ना आपको, तो सारे क्वेश्चन इसी पे घूम रहे हैं. ये सॉलिड है, ये लिक्विड है, ये गैस. तो सॉलिड के जो पार्टिकल है वो एकदम ऐसे क्लोज 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 होते हैं, एकदम क्लोज 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 चिपके होते हैं. उनकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हाई होती है, मतलब अट्रैक्शन अट्रैक्शन मतलब एक दूसरे की तरफ जो चिपकी हुई फोर्स है वो हाई होती है, इसलिए वो उनके पार्टिकल सॉलिड के एकदम पास 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 होते हैं चारों तरफ. लिक्विड के थोड़े थोड़े दूर होते हैं, थोड़े थोड़े दूर होते हैं, और गैस के बहुत दूर दूर फैले होते हैं क्योंकि उनकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत लो होती है. तो ये कह रहा है कि भाई हम एयर में तो अपना हाथ इजिली मूव कर सकते हैं, हम अपना हाथ इधर उधर घुमा सकते हैं, तो इसीलिए क्योंकि उनके गैस के जो पार्टिकल एयर क्या है, गैसेस मैटर है, तो गैस के जो पार्टिकल के हैं उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लो होती है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लो होती है, और उस वजह से स्पेस स्पेस बिटवीन द पार्टिकल इज मोर. फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लो होती है, स्पेस बिटवीन द पार्टिकल इज मोर,
तो इतनी सारी स्पेस होती है तो हम आराम से अपना हाथ ऐसे घुमा घुमा सकते हैं, जबकि सॉलिड तो सॉलिड ब्लॉक है, ये क्या सॉलिड है, ब्लॉक ऑफ वुड क्या सॉलिड है, तो इसमें एकदम स्पेस नहीं, तो हम ऐसे कोई एकदम से हाथ अपना लकड़ी के थ्रू ऐसे हाथ ना हम निकाल सकते हैं, ऐसे हाथ मारे और एक टेबल के दूसरी तरफ हमारा हाथ निकल जाए, ऐसे नहीं, उसके लिए तो हमें कोई कराटे एक्सपर्टी चाहिए, वही ये कह रहे हैं। तो इसीलिए क्योंकि उसमें इसका अपोजिट होता है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हाई होती है, गैस मतलब लो होती है, इसलिए हम पार्टिकल दूर दूर होते हैं और अपना हाथ मूव कर सकते हैं, लेकिन सॉलिड में अंदर अदर एंड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ पार्टिकल बहुत हाई होती है, इसलिए पार्टिकल एक दूसरे के क्लोज क्लोज चिपके होते हैं और कोई स्पेस नहीं होती पार्टिकल्स के बीच में, इसलिए हम अपना हाथ मूव नहीं कर सकते, लेकिन कराटे एक्सपर्ट वो टेक्निक से ऐसे मार के उसको तोड़ देते हैं, मूव कर देते हैं। ठीक, नेक्स्ट देखो, चलिए इस क्वेश्चन नंबर 8 देखो। लिक्विड जनरली हैव लोअर डेंसिटी एज कंपेयर टू सॉलिड, बट यू मस्ट हैव ऑब्जर्व्ड दैट आइस फ्लोट्स ऑन वाटर, फाइंड आउट व्हाई। देखो इस क्वेश्चन में ना बहुत सारे कॉन्सेप्ट एक साथ यूज हो रहे हैं और थोड़ा कंफ्यूजिंग होता है, तो आप इसको ध्यान से समझो, रटना मत, और मैं जो बोल रहा हूँ उसको समझने की कोशिश करो। तो ये क्या है, पहले तो मैं इस क्वेश्चन को बोल जाओ, जो चीज मैं तुम्हें समझा रहा हूँ ना वो सुनते जाओ पहले। डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मास ऑफ वॉल्यूम, जो मैं समझा रहा हूँ वो सुनो पहले, इस क्वेश्चन को बोलो। डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मास ऑफ वॉल्यूम। ठीक है, तो यानी कि जिस भी ऑब्जेक्ट का मास ज्यादा उसकी डेंसिटी ज्यादा होगी, सिंपल सी बात है, दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, समझाया था ना, सामने सामने वाले हैं, ये डेंसिटी मास के सामने, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और डेंसिटी और वॉल्यूम ऐसे सामने सामने नहीं है, तो यानी कि ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। इनवर्सली मतलब अगर वॉल्यूम ज्यादा होगा तो डेंसिटी कम हो जाएगी, वॉल्यूम कम होगा तो डेंसिटी ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, तो मैं लिख भी देता हूँ, डेंसिटी मास के तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और वॉल्यूम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, सुनते जाओ। ठीक है, डेंसिटी का फॉर्मूला ये है, और इस फॉर्मूले से हमने ये बताया कि डेंसिटी मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मतलब जब मास बढ़ेगा, किसी भी ऑब्जेक्ट का मास अगर ज्यादा है तो उसकी डेंसिटी भी ज्यादा होगी, और डेंसिटी और वॉल्यूम इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, मतलब अगर किसी ऑब्जेक्ट का मास ज्यादा है तो डेंसिटी उसके अपोजिट यानी कि कम होगी। ये समझ आ गया डेंसिटी और मास वॉल्यूम का, इस फॉर्मूले से हमने ये सारी चीजें डिराइव की। तो पानी, कभी भी पानी के अंदर वही चीज तैरती है, पानी एक क्या है, लिक्विड है, तो पानी के अभी कोई लिक्विड की कोई डेंसिटी होगी, तो पानी के अंदर वही चीज तैरती है जिसकी डेंसिटी पानी से कम होती है, जिसकी डेंसिटी पानी से कम होती है वो चीज पानी में तैरेगी, बाकी सारी चीज पानी में डूब जाएगी। तो हमने अभी प्रीवियस क्वेश्चन में पढ़ा कि जो तीन टाइप ऑफ मैटर होते हैं, सॉलिड, सुनते जाओ, लिक्विड और गैस, तीन टाइप के मैटर होते हैं, तो इनमें सबसे ज्यादा डेंसिटी किसकी होती है, जिसका मास ज्यादा होता है, तो सबसे ज्यादा डेंसिटी सॉलिड की होती है, फिर उससे कम थोड़ी लिक्विड की होती है सेकंड नंबर पे, और डेंसिटी गैस की सबसे कम होती है, उसका मास सबसे कम होता है। ठीक है, तो यानी कि लिक्विड के ऊपर अगर कोई भी हम सॉलिड डालेंगे तो सॉलिड की डेंसिटी ज्यादा है और वो नीचे डूब जाएगा, तो क्योंकि कॉन्सेप्ट क्या है कि लिक्विड पानी के अंदर वही चीज तैरेगी, ऊपर वही चीज तैरेगी जिसकी डेंसिटी पानी से कम हो, पानी से जिसकी डेंसिटी कम होगी वही चीज ऊपर तैरेगी, बाकी सारी चीजें डूब जाएगी। तो आपको पता है कि सॉलिड की डेंसिटी हमेशा लिक्विड से ज्यादा होती है, तो यानी कि सारे सॉलिड लिक्विड में डूब जाने चाहिए, समझ आ रही बात, दोबारा बोल रहा हूँ सुनो, पानी में वही चीज ऊपर तैरती है जिसकी डेंसिटी पानी से कम होती है, पानी से कम जिसकी डेंसिटी होगी वही चीज ऊपर तैरेगी, बाकी सारी चीज डूब जाएगी। तो सॉलिड की डेंसिटी ज्यादा होती है जनरली, तो यानी कि सारी सॉलिड चीजें पानी में डूब जाएगी, तैर नहीं पाएगी, क्योंकि लिक्विड से उसकी डेंसिटी ज्यादा है, कम डेंसिटी वाली चीजें पानी में तैर पाती है। लेकिन ये कह रहा है कि आइस जो है वो पानी में तैर लेती है, जबकि आइस सॉलिड है तो उसकी जो डेंसिटी ज्यादा होनी चाहिए, तो डेंसिटी ज्यादा होनी चाहिए क्योंकि आइस सॉलिड है, फिर वो ऊपर कैसे तैर लेता है, क्योंकि कॉन्सेप्ट है कि पानी में ऊपर वही चीज तैरेगी जिसकी डेंसिटी पानी से कम होगी। तो इसका कॉन्सेप्ट ये है, और ये इसका आंसर भी है माय, कि जो आइस का जो स्ट्रक्चर होता है ना वो ऐसे केज लाइक स्ट्रक्चर होता है, आइस का जब आप केमिकल फॉर्मूला लिखोगे या मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर लिखोगे तो ऐसे ऐसे कुछ होता है, समझ लो कि आपका अपना हैंड में एच, मैं बताऊंगा कैसे होता है, बुक में नहीं होगा आपकी, ठीक है, ऐसे केज टाइप स्ट्रक्चर बन जाता है ऐसे ऐसे, तो ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर चलता है। तो ये देखो बीच में स्पेस है ना, ये पूरी क्या स्पेस है, तो जो आइस का जो स्ट्रक्चर होता है, उसमें बहुत सारी स्पेस होती है, और इस स्पेस की वजह से उस आइस का जो है वो वॉल्यूम बहुत हाई होता है, और वो वॉल्यूम जो है वो लिक्विड से भी ज्यादा हाई होता है, तो जब वॉल्यूम हाई होगा तो डेंसिटी लो हो जाएगी लिक्विड से, समझो कॉन्सेप्ट, जो आइस का जो स्ट्रक्चर होता है वो केज लाइक स्ट्रक्चर होता है, केज,
केज मतलब ऐसे जार टाइप ये दिख रहा हूँ, तो इसमें बीच में स्पेस है, स्ट्रक्चर में बीच में स्पेस है, तो इस स्पेस की वजह से जो आइस का जो वॉल्यूम है वो बहुत ज्यादा हो जाता है। और मैंने हमने ये देखा कि अगर वॉल्यूम ज्यादा हो जाता है क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, सॉरी वॉल्यूम अगर ज्यादा हो जाता है तो डेंसिटी लो हो जाती है, तो हमने देखा वॉल्यूम अगर ज्यादा हो जाता है तो डेंसिटी लो हो जाती है, तो आइस का जो डेंसिटी है वो लो हो जाती है लिक्विड से। और जैसी डेंसिटी लो होती है हमने क्या पढ़ा, आइस में पानी में तैरने का कॉन्सेप्ट क्या है कि जिसकी डेंसिटी पानी से कम होगी लो होगी वही तैरेगा। तो हमने देख लिया कि भाई वॉल्यूम ज्यादा है इसकी, वॉल्यूम ज्यादा है इनकी डेंसिटी लो है, और डेंसिटी लो है तो यानी कि वो ऊपर पानी में तैर लेगा। तो यही रीजन है कि जो आइस है वो पानी में तैर लेती है जबकि आइस सॉलिड है, और जबकि जो सॉलिड की जनरली डेंसिटी ज्यादा होती है। तो इस केस में आइस के केस में एक्सेप्शन सॉलिड है, एक एक्सेप्शनल सॉलिड है जिसकी डेंसिटी लिक्विड से कम होती है। जनरली सॉलिड की डेंसिटी लिक्विड से ज्यादा होती है ना, पर आइस की डेंसिटी एक सॉलिड होते हुए भी लिक्विड से कम होती है, और इसी रीजन से वो पानी में तैर लेता है। ठीक है, ये मैंने पूरा डिटेल में एक्सप्लेन करा है, अगर समझ नहीं आ रहा पीछे जाओ रिपीट में सुनो मेरे वर्ड्स में। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कन्वर्ट द फॉलोइंग टेंपरेचर टू सेल्सियस स्केल। तो केल्विन में हमें टेंपरेचर दे रखा है फर्स्ट पार्ट में भी और सेकंड पार्ट में भी, और हमें सेल्सियस में इसको कन्वर्ट करना है। तो इसका एक सिंपल फॉर्मूला है, फॉर्मूला में लिख देता हूँ, क्वेश्चन खुद सॉल्व करना। फॉर्मूला ऐसे है, केल्विन माइनस 273 इज इक्वल टू डिग्री सेल्सियस। ये फॉर्मूला आपका, अब आप कन्वर्ट कर लो। फर्स्ट में कर देता हूँ 300 केल्विन है, तो के की जगह फॉर्मूला में पुट कर रहा हूँ मैं, 300 डाल दिया माइनस 273 सीधे वैल्यू पुट कर रहा हूँ, तो वही होगा डिग्री सेल्सियस। 300 माइनस 273 कितना होगा 27, तो डिग्री सेल्सियस में कितना हो गया 27, तो इसका आंसर होगा 27 डिग्री सेल्सियस। इसको आप खुद करो, ये आपको ये फॉर्मूला याद कर लेना, इसको क्वेश्चन आ सकते हैं वन मार्क में। नेक्स्ट देखो, व्हाट इज द फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर एट फर्स्ट 250 डिग्री सेल्सियस, सेकेंड 100 डिग्री सेल्सियस। तो जो वाटर है वो 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल होना स्टार्ट हो जाता है, स्टार्ट्स टू बॉयल 100 डिग्री सेल्सियस पे, स्टार्ट्स टू बॉयल। तो 100 डिग्री पे वाटर बॉयल होना शुरू कर देता है, तो फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर में क्या होता है 250 डिग्री सेल्सियस पे, जब 100 डिग्री पे बॉयल होना शुरू हो जाता है तो 250 डिग्री तो बहुत सारे टेम्परेचर, बहुत ज्यादा टेम्परेचर होगा, तो इस स्टेट पे फिजिकल स्टेट क्या हो जाती है वाटर की, वेपर बन चुका होता है स्टेट पे। जब 250 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में पानी वेपर बन चुका होता है पूरे तरीके से, वेपर बोल लो या फिर स्टीम बोल लो जो भी बोल लो। और 100 डिग्री सेल्सियस पे क्या होता है, 100 डिग्री सेल्सियस पर मैंने बोला बॉयल होना स्टार्ट होता है, तो यानी कि अभी इस स्टेज पे लिक्विड और वेपर, लिक्विड एंड वेपर दोनों को एग्जिस्ट करते हैं, दोनों होते हैं, क्योंकि लिक्विड धीरे धीरे वेपर बनना शुरू होता है, तो लिक्विड भी होता है फिजिकल स्टेट में और वेपर धीरे धीरे बन गया होता है, तो दोनों होते हैं 100 डिग्री सेल्सियस पे, दोनों को एग्जिस्ट करते हैं लिक्विड स्टेट भी और वेपर स्टेट भी। पर 250 डिग्री सेल्सियस तो बहुत ज्यादा हो गई, इस स्टेप तक वो लिक्विड पूरा का पूरा वेपर हो चुका होता है या स्टीम बन चुका होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, चलिए गाइस क्वेश्चन नंबर 11 देखो। फॉर एनी सब्सटेंस व्हाई डज द टेंपरेचर रिमेन कांस्टेंट ड्यूरिंग द चेंज ऑफ स्टेट। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसको ध्यान से सुनना। ये आपको कह रहा है कि किसी भी सब्सटेंस का जो टेंपरेचर है वो कांस्टेंट रहता है, रिमेन कांस्टेंट, जब उसका स्टेट चेंज होता है। स्टेट चेंज होना मतलब सॉलिड से लिक्विड बन रहा है या लिक्विड से गैस बन रहा है। तो हम वाटर का एग्जांपल लेते हैं, जैसे वाटर जो है सॉलिड फॉर्म में आइस, और सॉलिड से वो लिक्विड बन रहा है वाटर, या फिर लिक्विड से वो गैस बन रहा होगा वेपर। तीन स्टेट है ना, सॉलिड लिक्विड गैस, तो हमने वाटर का एग्जांपल ले लिया, आइस वाटर और वेपर। ठीक है, तो इस केस में क्या होता है, क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है कि जब भी स्टेट चेंज हो रहा होता है तो टेम्परेचर उस सब्सटेंस का कांस्टेंट रहता है। मतलब क्या कहने का कि अगर आइस है वो आइस जब वाटर में कन्वर्ट हो रही है तो टेम्परेचर जो है वो सेम ही रहेगा, या फिर जो वाटर है वो वाटर से वेपर में कन्वर्ट हो रहा है तो टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट ही रहेगा। ऐसा क्यों, व्हाई, ऐसा क्यों ये पूछ रहा है। तो इसके पीछे रीजन ये है, फॉर एग्जांपल ये दोनों का एग्जांपल ले लें कि लिक्विड स्टेट से वेपर स्टेट में कन्वर्ट हो रहा है, लिक्विड से गैस बन रहा है वाटर। तो इस केस में क्या होता है, टेम्परेचर जो हम वाटर वेपर कैसे बनेगा, जब उसको बॉइल करेंगे पानी को, जब हम बॉइल करते तभी तो वेपर बनता है, तो बॉइल किया हमने, तो जो वो टेम्परेचर हम जो बढ़ा रहे हैं बॉइल कर रहे हैं, वो टेम्परेचर सारा जो वाटर के, मैंने आपको क्या बताया था, वाटर के जो पार्टिकल हैं वो थोड़े थोड़े पास होते हैं, और गैस के क्या बहुत ज़्यादा दूर दूर होते हैं। तो ये जो पार्टिकल है, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है इन पार्टिकल की, इसको ब्रेक करेंगे तभी तो दूर दूर जाएंगे पार्टिकल। तो जितना भी जो टेम्परेचर है वो सारा टेम्परेचर या जितनी भी जो हीट है
हीट कर रहे हैं ना वाटर को वेपर बनाने के लिए, तो जितनी भी हीट है या टेम्परेचर है वो सारी एनर्जी उसकी इसी में चली जाती है कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ पार्टिकल है उसको ब्रेक करने में, टू ब्रेक द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल। तो जितनी भी जो हीट एनर्जी है वो किस में जाती है, टू ब्रेक द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल, फिर पार्टिकल का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ब्रेक हो गया, फिर वो वाटर से ऐसे गैस बन जाता है। तो बेसिकली इस क्वेश्चन का आंसर ये होगा कि जो भी हीट प्रोवाइड होती है, जो भी हीट प्रोवाइड होती है वो सारी किस में चली जाती है, टू ब्रेक द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल, और जो सब्सटेंस है उसका टेम्परेचर कॉन्स्टेंट ही रहता है। तो जितनी भी हीट है वो वाटर के जो पार्टिकल है उसको ब्रेक करके गैसेस पार्टिकल में कन्वर्ट करने में चल जाती है, और जो टेम्परेचर है वो कॉन्स्टेंट ही रहता है, चाहे वो वाटर के फॉर्म में हो चाहे वेपर के फॉर्म में हो, जो टेम्परेचर है वो कॉन्स्टेंट ही रहता है, समझ गए। और ये जो हीट प्रोवाइड की जाती है उसको बोलते हैं लेटेंट हीट, जब हम बॉइल कर रहे होते हैं तो जो हीट ही तो प्रोवाइड कर रहे हैं भाई, वाटर से वेपर बनाने के लिए हमें हीट प्रोवाइड करनी पड़ेगी, बॉइल करना पड़ेगा पानी को तभी तो वेपर बनेगा। तो वो जो हीट हम प्रोवाइड कर रहे होते हैं चेंज करने के लिए स्टेट को, लिक्विड स्टेट से गैसेड स्टेट में, उस हीट को हम बोलते हैं केमिस्ट्री में लेटेंट हीट, समझ गए। नेक्स्ट देख लो, इस क्वेश्चन को देखो, सजेस्ट अ मेथड टू लिक्विफाई एटमॉस्फेरिक गैस। तो देखो आपको जो स्टेट ऑफ मैटर मैंने बताया ना उसी कॉन्सेप्ट पे पूरे क्वेश्चन चल रहे हैं, अगर आप ध्यान से देखो तो ज्यादा कुछ हो नहीं रहा है चेंज। भाई हमें पता है सॉलिड लिक्विड और गैसेस तीन टाइप के स्टेट होते हैं मैटर के। तो हमें पता है कि सॉलिड में पार्टिकल एकदम क्लोज क्लोज होते हैं, लिक्विड में थोड़े दूर दूर होते हैं, और गैस में बिल्कुल ही दूर दूर होते हैं, है ना, ये हमें पता है। तो ये कह रहा है कि अगर किसी गैस को लिक्विफाई करना है, मतलब गैस से लिक्विड में जाना है, तो क्या करोगे, मेथड सजेस्ट करोगे। तो गैस में पार्टिकल दूर दूर है, लिक्विड में पास पास है, हमें गैस से लिक्विड में जाना है, गैस से लिक्विड में जाना है, तो आप क्या करोगे, गैस से लिक्विड में जाना है तो ये गैस पार्टिकल को हमें पास पास लाना पड़ेगा, तभी तो लिक्विड बनेगा। तो हमें गैस के गैसेस पार्टिकल को पास पास लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें प्रेशर इंक्रीज करना पड़ेगा। ऐसे हम प्रेशर करेंगे तभी तो प्रेशर दबाएंगे, दबाएंगे तभी तो ये सारे पार्टिकल पास पास आएंगे। प्रेशर इंक्रीज करना पड़ेगा और टेम्परेचर रिड्यूस करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में बताया आपको, जब टेम्परेचर ज्यादा होता है तो पार्टिकल की मूवमेंट ज्यादा होती है, तो हम जब टेम्परेचर रिड्यूस कर देंगे तो पार्टिकल की मूवमेंट कम हो जाएगी, और साथ में प्रेशर इंक्रीज कर देंगे, तो प्रेशर इंक्रीज कर देंगे और टेम्परेचर रिड्यूस कर देंगे, तो हमारी जो गैस है वो लिक्विफाई हो जाएगी या फिर लिक्विड फॉर्म में आ जाएगी, समझ रहे हो कॉन्सेप्ट, सारे वही कॉन्सेप्ट घूम करके आ रहे हैं। तो क्या मेथड है एटमॉस्फेरिक गैस को लिक्विफाई करने के लिए, कि प्रेशर को इंक्रीज करो, तो प्रेशर बढ़ा दो, क्योंकि प्रेशर हम बढ़ाएंगे तो ये सारे पार्टिकल पास पास आ जाएंगे, और टेम्परेचर को कम कर दो, क्योंकि ज्यादा टेम्परेचर में तो पार्टिकल तेजी से मूव करते हैं, तेजी से मूव करते हैं तो दूर दूर चल जाएंगे, एस्केप हो जाएंगे, इसलिए टेम्परेचर को कम कर दो, प्रेशर को बढ़ा दो, तो आप एटमॉस्फेरिक गैस को लिक्विफाई कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 13 देखो, अब देखो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 14 और क्वेश्चन नंबर 15, ये तीनों एक ही कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है, इवेपोरेशन, तीनों इसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है। 13 14 15 तो मैं 13 आपको अच्छे से समझाऊंगा, 14 15 ना कोशिश करना कि आप जल्दी समझ जाओ, ठीक है। तो क्या है क्वेश्चन, क्या है, तो पहले आप ये समझ लो इवेपोरेशन क्या है। क्वेश्चन तो हम आते हैं क्वेश्चन पे, पहले इवेपोरेशन समझ लो, मान लो कोई लिक्विड है, वाटर, तो इवेपोरेशन क्या होता है, कि इवेपोरेशन मतलब टेम्परेचर इंक्रीज होगा, इस टेम्परेचर इंक्रीज की वजह से ये जो पानी है वो इवेपोरेट होके ऊपर चला जाएगा, इसी प्रोसेस को हम इवेपोरेशन बोलते हैं। और जब पानी ऊपर चला जाता है, इस हीट, तो हीट चली जाती है इस वाटर में से, क्योंकि हीट से ही पानी इवेपोरेट हो रहा है, तो जो रिमेनिंग पानी हो जाता है वो कूल रह जाता है। तो कहने का मतलब इवेपोरेशन इंक्रीज होता है जब टेम्परेचर इंक्रीज होता है। अब देखो इस क्वेश्चन से मैं समझाता हूँ, यहाँ पर अगर आपको समझ नहीं आया तो उसको भूलो, क्वेश्चन से समझाता हूँ, तीनों कॉन्सेप्ट 13 14 15 तीनों इवेपोरेशन पे बेस्ड है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, कोई एक डेजर्ट का कूलर है, वो ड्राई डे में, हॉट ड्राई डे में अच्छे से कूल करता है, इसका रीजन क्या है। तो देखो हॉट ड्राई डे मतलब कि टेम्परेचर ज्यादा है, हॉट टेम्परेचर ज्यादा है, और ड्राई है मतलब ह्यूमिडिटी कम है, ह्यूमिडिटी मतलब एटमॉस्फेयर में मॉइस्चर की जो क्वांटिटी वो कम है, तो ह्यूमिडिटी लो है। तो इस कंडीशन में जो आपका कूलर है वो अच्छे से कूल बेटर कर रहा है, तो रीजन क्या है, कि भाई जो कूलर है उसकी जो हीट है
कूलर, डेजर्ट कूलर से वो हीट लेता है, डेजर्ट कूलर से हीट लेगा, और हीट लेके कौन हीट लेगा, वाटर। तो वाटर जो है, वाटर टेक हीट, वाटर टेक्स हीट फ्रॉम कूलर, कूलर से उसने, जो डेजर्ट कूलर है वो बिजनेस चल रहा है, तो उससे हीट ली वाटर ने, और हीट लेके वो इवोपरेट हो गया, हीट ली, हीट ली तो पानी इवोपरेट होना शुरू हो गया, क्योंकि हमको पता है टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो इवोपरेशन इंक्रीज होती है। तो जैसे हीट ली उसने वाटर कूलर से, क्योंकि वाटर कूलर जो है, जो कूलर है अपना, सॉरी डेजर्ट कूलर जो है वो बिजनेस चलता है, बिजनेस चलता है तो हीट प्रोवाइड करता है, तो हीट प्रोवाइड की वाटर ने, हीट ली और हीट लेके उसने इवोपरेशन शुरू की, और जब इवोपरेशन शुरू हुई तो पानी बाहर घूमना शुरू हुआ, इवोपरेट होना शुरू हुआ, और वो पानी जब इवोपरेट हुआ तो जो रिमेनिंग पानी है, जो पानी सर्कुलेट हो रहा है कूलर में, वो ठंडा हो गया, साथ में पैड भी ठंडे हो गए। और यही रीजन है कि जो कूलर है वो हॉट ड्राई डे में आपका अच्छे से ठंडा करता है। इसमें मेन कॉन्सेप्ट ये है कि जो इवोपरेशन है वो कब ज्यादा अच्छी होती है, इवोपरेशन इंक्रीज जब टेम्परेचर इंक्रीज, बस ये याद रखो, इवोपरेशन इंक्रीज होती है जब टेम्परेचर इंक्रीज हो जाती है। तो यहाँ पर टेम्परेचर बहुत हॉट है तो इंक्रीज है, इवोपरेशन इंक्रीज हो गई, और ये कॉन्सेप्ट डेजर्ट कूलर से, उसने हीट ली वाटर ने, और जब हीट ली तो वो हीट सारी एब्जॉर्ब हो गई, किस चीज में एब्जॉर्ब हो गई, पानी से इवोपरेट, पानी जो है वो सारी हीट किसने, उसने यूज कर ली, तो पानी से वो हवा बनने में, तो वो सारी पानी हवा बन के उड़ गया, और जो रिमेनिंग पानी है वो कूल हो गया। तो इसीलिए जो रिमेनिंग पानी वो कूल हो गया, और पैड, जो पैड में जो पानी है वो भी ठंडे हो गए, तो इस वजह से हवा ठंडी आने। दोबारा सुनो, हीट एब्जॉर्ब की वाटर ने, जो कूलर के अंदर पानी है उसने हीट एब्जॉर्ब की, किससे, कूलर से हीट एब्जॉर्ब की। अब जब हीट एब्जॉर्ब की तो जो पानी है उड़ना शुरू हुआ, वो जो हीट जो एब्जॉर्ब की, उस हीट ने पानी को इवोपरेट करना शुरू किया, तो पानी इवोपरेट करना शुरू हुआ, और जो रिमेनिंग पानी है वो ठंडा हो गया। क्यों ठंडा हो गया रिमेनिंग पानी, क्योंकि जो गर्म पानी, जो गर्म एनर्जी है, जो हीट है, वो तो सारी यूटिलाइज हो गई ना पानी को इवोपरेट करने में, पानी को भाप बनाने में, हवा बनाने में, वो सारी हीट यूज हो गई, एब्जॉर्ब हो गई, तो जो रिमेनिंग पानी रह गया वो कूल हो गया, और जब रिमेनिंग पानी कूल हो गया तो फिर हमें हवा ठंडी आने लग गई, तो इसी प्रोसेस को बोलते हैं इवोपरेशन। नेक्स्ट देखो, चलो ये क्वेश्चन देखो, ये भी इवोपरेशन पे, हाउ डज द वाटर कैप्ट इन द अर्थन पॉट, मतलब मटके में जो पानी रखा हुआ है वो ठंडा कैसे हो जाता है समर में। तो देखो, ये मान लो ये आपका एक मटका है, ठीक है, ये मान लो मटका है। अब मटके में क्या होता है, मटके में से छोटे छोटे पोर्स होते हैं, छेद होते हैं, जो दिखते नहीं, एकदम छोटे छोटे पोर्स होते हैं, ठीक है, और इसके अंदर आपको पानी होता है जी, मटके में यही होता है ना। तो अब क्या होता है कि जो जो हीट है ना वो मटके में से लेता है, इस मटके में से हीट लेके ये पानी ऐसे इवोपरेट होना शुरू होता है, इन पोर्स से निकलना शुरू होता है, ये पोर्स है, इन पोर्स से ऐसे निकलना शुरू होता है। पानी को इवोपरेट होने के लिए, पानी से भाप बनने के लिए क्या चाहिए होती है, हीट चाहिए होती है, और ये हीट कहाँ से लेते हैं, ये मटके से लेता है, मटके से, ये मटके से हीट ली, और ये हीट ने इस पानी को इवोपरेट, यानी कि भाप करके, भाप बना के इसे बाहर निकलना शुरू होता है, बाहर निकलना शुरू होता है। हीट तो चाहिए चाहिए पानी को भाप बनाने के लिए, जैसे हम बॉइल करते हैं, हमने प्रीवियस क्वेश्चन में देखा तो पानी को हम ऐसे आग से बॉइल करते हैं तो फिर वो भाप बन जाता है, तो ऐसे ही इवोपरेशन होने के लिए भी, पानी को इवोपरेट होने के लिए भी हीट चाहिए। तो ये जो हीट जो मिलती है किससे मिलती है, मटके से, तो अर्थन पॉट यानी कि मटके से हीट ली और पानी ऐसे धीरे धीरे इन पोर में से इवोपरेट होना शुरू हो गया, तो जो रिमेनिंग पानी बच जाता है ना वो आपका कूल होता है, क्योंकि हीट तो सारी एब्जॉर्ब हो गई, हीट तो सारी यूज हो गई ना इवोपरेट होने में, हीट तो सारी यूज हो गई, तो जो बचा हुआ पानी रहा वो कूल रहा, तो इसलिए आपको पानी जो होता है वो समर में ठंडा मिल जाता है। समझ रहे कॉन्सेप्ट भाई, जितनी भी हीट थी वो तो जो पानी को इवोपरेट होने में लग गई, तो जो रिमेनिंग पानी रह गया वो कूल हो गया, क्योंकि हीट सारी यूज हो चुकी है, तो इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं इवोपरेशन, ठीक है। ये क्वेश्चन भी सेम कॉन्सेप्ट पे है, व्हाई डज आवर पाम फील कोल्ड व्हेन वी पुट सम एसीटोन और पेट्रोल और परफ्यूम ऑन इट। तो देखो आप ये तो एक्सपेरिमेंट खुद घर पे भी कर सकते हो कि आप अपनी पाम पे कुछ छोटा थोड़ा सा परफ्यूम डालना, या फिर एसीटोन डालना, पेट्रोल डालना, कुछ हल्का सा पेट्रोल में डाल देना, जला लो अपने हाथ को, ठीक है, तो परफ्यूम डालना, और आप देखना कि आपकी जो पाम है, हथेली है, वो कोल्ड कोल्ड सा फील करती है, आपकी जो हथेली है, क्या हो गया, आपकी जो हथेली है, आपकी जो हथेली है वो कोल्ड कोल्ड सा फील करती है। तो ये भी सेम कॉन्सेप्ट है, आपका जो ये हाथ है, मान लो ये हाथ है, इस पे हमने परफ्यूम डाल दिया, हैंड पे हमने परफ्यूम डाल दिया थोड़ा सा, अब क्या होता है, जो परफ्यूम वगैरह है ये सब किस तरह के ऑब्जेक्ट है, ये सारे किस तरह के लिक्विड है, वॉलेटाइल लिक्विड है,
अब कंफ्यूज हो तो मैं इस टर्म से वोलेटाइल, वोलेटाइल लिक्विड मतलब ऐसे लिक्विड जो जल्दी इजीली इवेपोरेट हो रहे हैं, जो इजीली इवेपोरेट होते हैं उनको हम बोलते हैं वोलेटाइल लिक्विड, जो इजीली भाप बन जाते हैं गायब हो जाते हैं उनको हम बोलते हैं, ऐसे लिक्विड को हम बोलते हैं वोलेटाइल लिक्विड। एनीवेज, तो हमने हथेली पर परफ्यूम डाला, अब जो हथेली की हीट है उसको यूज करके ये परफ्यूम ऐसे इवेपोरेट होना शुरू करेगा। हथेली की जो हीट है उसको यूज करके, हीट तो चाहिए चाहिए, ये ध्यान रख लो, टेम्परेचर तो इंक्रीज होना ही चाहिए अगर आपको इवेपोरेशन चाहिए तो हीट तो चाहिए चाहिए आपको लिक्विड को भाप बनाने में, हीट तो चाहिए। तो जो हथेली हमारी बॉडी टेम्परेचर में भी तो कुछ हीट है, तो हमारी जो हथेली है, हमारा जो पाम है उसमें जो हीट है उसको यूज करके ये जो परफ्यूम है ऐसे इवेपोरेट होना शुरू हुआ। ठीक है, हीट भी उसने हथेली से ली, कुछ सराउंडिंग से ली, जो एटमोसफेयर जो हमारा आसपास का एटमोसफेयर है वहां से हीट ली, हथेली की हीट थी और ये इवेपोरेट होना शुरू हुआ। जैसे इवेपोरेट होना शुरू हुआ तो जो हमारी हथेली है वो हवा में ठंडा ठंडा फील करेगी, क्योंकि जो हीट थी हथेली की वो तो यूज हो गई इस परफ्यूम को इवेपोरेट होने में, तो अब हमें हमारी हथेली जो है वो कोल्ड फील होती है। तो ये कॉन्सेप्ट है इवेपोरेशन। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट था पानी वाले मटके में, याद आ गया? ये मटके वाले में तो ये किया था हमने, मैंने आपको क्या बताया, मटके का से हीट ली, मटके से और जो सराउंडिंग से हीट ली और जो पानी है वो इवेपोरेट होना शुरू हुआ। पानी को इवेपोरेट, पानी या किसी भी लिक्विड को इवेपोरेट करने के लिए आपको हीट तो चाहिए चाहिए, तो जो हीट यूज करी उसने वो मटके से यूज की और सराउंडिंग में जो हीट है, जो एटमॉस्फेयर में जो हीट है, गर्मियों में समर है तो गर्मियों में जो हीट है वो यूज की और मटके की जो हीट है वो यूज की और वो पानी धीरे धीरे ऐसे इवेपोरेट होना शुरू हुआ। अब जो इवेपोरेट हो गया तो जो रिमेनिंग पानी है उसमें तो हीट बची नहीं, क्योंकि हीट तो सारी यूज हो गई जो पानी को इवेपोरेट करने में, और जो रिमेनिंग पानी बचा वो कूल हो गया। तो यही है बस, ये सारे क्वेश्चन में, ये पाम वाले क्वेश्चन में भी हुआ कि परफ्यूम हमने डाला तो हथेली की हीट यूज की और जो सराउंडिंग में जो भी एटमॉस्फेयर में हीट है वो यूज की और ये परफ्यूम ऐसे इवेपोरेट यानी कि उड़ना शुरू हुआ। अब जो उड़ गया तो अब जब हमें हथेली ठंडी ठंडी क्यों लगी, क्योंकि जो हथेली की हीट है वो सारी यूज हो चुकी है परफ्यूम को उड़ाने में, तो अब थोड़ा सा ठंडा लगेगा। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट है कि हमें कोल्ड फील होता है। नेक्स्ट देखो, चलो इस क्वेश्चन को देखो, व्हाई आर वी एबल टू सिप हॉट टी और मिल्क फास्टर फ्रॉम द सॉसर रेदर देन अ कप। मतलब कह रहा है कि अगर हम गर्म चाय या फिर दूध, सॉसर मतलब प्लेट, प्लेट में डालते हैं, प्लेट में पीते ना, प्लेट एंड कप वाली जो प्लेट में डालते लोग ऐसे पीते, आपने देखा होगा कि कुछ लोग ऐसे कप में से चाय को ऐसे प्लेट में डालते हैं फिर उससे पी लेते हैं क्योंकि वो जल्दी ठंडा हो जाता है। तो क्यों है, दूसरा क्यों जल्दी ठंडा हो जाता है जब हम प्लेट में डालते हैं और कप में क्यों देर में ठंडा होता है, कप में ज्यादा गर्म क्यों रहता है? तो उसका पीछे रीजन ये है कि मान लो ये प्लेट है आपकी और ये आपका कप है, ये आपका कप है, तो होता क्या है, किसका सरफेस एरिया, किसका एरिया ज्यादा है, ऑब्वियसली प्लेट का एरिया ज्यादा है, सरफेस एरिया, एरिया किसका ज्यादा है, प्लेट का एरिया ज्यादा है, सरफेस एरिया इसका प्लेट का ज्यादा है, तो सरफेस एरिया ज्यादा है तो इवोपरेट होने के लिए ज्यादा जगह है, मतलब जो हीट से इवोपरेशन जो होगी वो ज्यादा होगी, एरिया ज्यादा तो ज्यादा इवोपरेशन हो पाएगा और कप में कम, क्योंकि सरफेस एरिया कम है तो इवेपोरेशन कम हो पाएगा, तो इवेपोरेशन ये ज्यादा हो पाएगा तो ये जल्दी ठंडी हो जाएगी चाय और ये थोड़ा टाइम लगाएगी ठंडी होने में, इसलिए लोग सॉसर में यानी कि प्लेट में जब पीते हैं तो वो आराम से पी सकते हैं, सिप कर सकते हैं, क्योंकि वो ठंडी जल्दी हो जाती है, सरफेस एरिया ज्यादा होता है। तो इसमें क्या बोलोगे, सरफेस एरिया ऑफ सॉसर, सॉसर यानी कि प्लेट इज मोर देन कप एंड हेंस टी और मिल्क कैन इवेपोरेट इजीली एंड बिकम कूल। ठीक है, ये है इसका आंसर, समझ आ गया? नेक्स्ट देख लो, चलेगा इस क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं क्या कहते हैं। व्हाट टाइप ऑफ क्लोथ शुड बी वेयर इन समर, किस टाइप के कपड़े हमें समर में पहनने चाहिए, तो किसी बच्चे ने बोल दिया शॉर्ट्स, ये आंसर नहीं है इसका। ठीक है, तो किस टाइप के कपड़े हमें समर में पहनने चाहिए, हमें समर में कॉटन क्लोथ्स पहनने चाहिए, कॉटन, कॉटन के कपड़े। क्यों पहनने चाहिए कॉटन के, क्योंकि देखो सुनो कॉन्सेप्ट सुनो, जो कॉटन जो होता है ना वो वाटर को एब्जॉर्ब करता है, सुनते जाओ, कॉटन जो है वो वाटर को एब्जॉर्ब करता है, और वाटर को जब एब्जॉर्ब करता है तो हमारे जब हम बाहर निकलते हैं तो हमें स्वेट आता है, तो स्वेट को एब्जॉर्ब कर लेता है, यानी कॉटन में, कॉटन के मान लो कोई टी शर्ट है उसमें वाटर ऐसे एब्जॉर्ब हो गया, वाटर गीली हो गई। अब जब हम एटमॉस्फेयर में चलेंगे तो वो पानी धूप से एवोपरेट होगा, जब धूप से एवोपरेट होगा तो आपको पता है क्या होता है, कि जो रिमेनिंग जो हमारा कपड़ा रह जाएगा वो ठंडा हो जाएगा और हमें कूलिंग एक्सपीरियंस देगा, तो इसलिए हम समर में कॉटन क्लोथ्स पहनते हैं।
मैं कॉटन क्लोथ को बांधे दोबारा सुनू तो कॉटन जो है वाटर को एब्जॉर्ब करता है, तो जो स्वेट एब्जॉर्ब कर लेगा उसके बाद फिर हम जब एटमोसफेयर में एक्सपोज होंगे, सनलाइट में एक्सपोज होंगे, सनलाइट में एक्सपोज होंगे तो वाटर ऐसे इवेपोरेट होना शुरू होगा, ये जो हीट है उससे वो वाटर इवेपोरेट होगा और जो रिमेनिंग आपके जो टी शर्ट या क्लोथ रह जाएगा वो आपको कूलिंग फीलिंग देगा। ठीक है, तो इसी रीजन से आप कॉटन क्लोथ समर में पहनना चाहिए। ठीक है, तो ये थे आपके इंटेक्स क्वेश्चन सारे के सारे। अब हम नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज क्वेश्चन। अच्छा, आपने देखा होगा वीडियो खत्म करने से पहले एक चीज बोल रहा हूँ कि हमने बेसिकली जितने भी इंटेक्स क्वेश्चन पढ़े तो उसमें ज्यादा कॉन्सेप्ट नहीं, हमने दो ही कॉन्सेप्ट देखे। अगर आप ठीक से देखो तो पहला कॉन्सेप्ट आपने देखा जो भाई सॉलिड लिक्विड और गैस, ये तीनों मैटर। तो आपको अगर ये समझ आ जाए कि सॉलिड जो है उनके पार्टिकल कैसे होते हैं, क्लोज क्लोज चिपके हुए होते हैं, लिक्विड के थोड़े दूर दूर होते हैं, गैस के बिल्कुल दूर दूर होते हैं, तो ये चीज अगर आपको समझ आए तो सारे क्वेश्चन उसी पे घूम जाए। और सेकंड आपका इवोपरेशन पे लास्ट के चार पांच क्वेश्चन थे। इवोपरेशन का कॉन्सेप्ट ये था कि इवोपरेशन में हीट यूज होती है, हीट यूज करके वो पानी आपका इवोपरेट होना शुरू होता है और जो रिमेनिंग चीज रह जाती है वो कूल हो जाती है। ये कॉन्सेप्ट आपके सारे क्वेश्चन थे। तो बेसिकली अगर देखें तो ये दो तीन कॉन्सेप्ट के से ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, बस घुमा फिरा के पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो इसको अगर आप ध्यान से देखो तो ये दो तीन कॉन्सेप्ट है, सॉलिड लिक्विड गैस में पार्टिकल की मूवमेंट क्या होती है, पार्टिकल किस तरह से बिहेव करते हैं, सब पता हो तो सारे क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर सकते हो इस चैप्टर में। ठीक है, नेक्स्ट में हम देखेंगे एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो हो गई बहुत ज्यादा लंबी, और अगर आप अभी तक सुन रहे हो तो अपने लिए ताली बजा लो, अपने फ्लो पूरे के पूरे 56 मिनट की वीडियो देख ली तो बड़ी बात है, यानी आप डेडिकेशन बढ़िया तुम्हारा, अच्छे मार्क्स आएंगे। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है।